What up guys, welcome back to a new vlog. इतना अंधेरा क्यों है? तीन घंटे में भाई मामला बड़ा गड़बड़ है मॉन्ट्रियल में. यहाँ पर हम बड़ा सुपर एक्साइटेड होके आए थे, यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड मनाएंगे. एक रात की बात है बट वो भी नहीं समझ आ रहा है एक लाख रात में कैसे बिताने वाले. हम आए हैं हिल्टन में रुकने और ये हिल्टन की हालत है. अंधेरा, दरवाजा खोलना पड़ रहा है वहां पर लाइट लेने के लिए. हुआ क्या है? पर हुआ यह है कि आइस स्टॉर्म आया था ऑटावा और मॉन्ट्रियल, और जब वो आया है तो यहाँ की उन्होंने कर दी है बत्तियां गुल. होटल में भी नीचे बस वो बंदी बैठी हुई है, वो सारी बुकिंग्स ले रही है या कैंसिल कर रही है और बोल रही है ऊपर चले जाओ, हीटिंग नहीं है, पानी गर्म आ रहा है और वाईफाई मिलेगा. यही तो दिन याद आएंगे. अरे ऐसे दिन चाहिए ही नहीं. फिर उस कॉरिडोर में लाइट यही बातें तो बाद में याद आएंगी. कहती बाहर क्यों बैठे, बाहर क्यों बैठे, जैसे रूम में घुसे ओ इसलिए बाहर बैठे क्योंकि रूम में लाइट ही थी. सो बिकॉज कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सब लोगों के लिए चार्जिंग के लिए यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बनाया है और सब यहाँ आके अपना फोन नीचे चार्ज करके जाते. टाइम टू चेक आउट. स्मोकिंग हॉट विंग्स बारबेक्यू सॉस में होते हैं. मुझे पता क्या लगता है, गर्मी में ना वहाँ से नीचे जा सकते होंगे. चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्यूबेक सिटी की तरफ. लेट्स गो. स्नो का पहाड़ बट ये छोड़ो और उसके आगे देखो, ये है फेयरमोंट इन क्यूबेक सिटी. हम आ गए हैं क्यूबेक सिटी के डाउनटाउन एंड काफी सुंदर लग रहा है, एकदम यूरोपियन वाइब्स है. सर हम जब ऑस्ट्रिया गए थे वैसा टाइप्स नहीं लग रहा है. बिल्कुल यूरोपियन फील है यार, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बट प्यारा लग रहा है. या इट्स नाइस. ठंड इज थोड़ा सा बुरा पार्ट बट आई थिंक सुंदर है तो वो सब देख के अच्छा लग रहा है. So hoping it's going to be a good day. सर अभी कोई इंस्टाग्राम पे पूछ रहा था आपकी ये डाउन जैकेट कौन सी है. बहुत लोगों ने नहीं पूछ लिया मेरा. मैं मेरी चॉइसेस सस्ती टिकाऊ होती है. फैशन इन्फ्लुएंसर इन द हाउस गाइस. बता तो दो कौन सी है. दिस इज फ्रॉम हॉलिस्टर. मैंने दो तीन साल पहले ली थी एंड अंडर $100. वाओ रियली. सो या सो गाइस हम नीचे आ गए हैं वो ट्रॉली लेके और यहाँ की वाइब तो मस्त लग रही है. क्या हुआ, जान नहीं रहे हम यहाँ गोट मिल्क. गोट मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं यूजुअली, इट्स लाइक सोप एंड देन दे हैव चीज एंड अदर प्रोडक्ट्स. आइसक्रीम भी है. क्या कहते हैं मेपल टॉफी. खाई थी ना आपने पहले? जो हम गए थे मॉन्ट्रोमा तो हमने खुद ने बनाई थी. आइस था वो रखा हुआ था, मेपल सिरप डाला एंड वो अच्छी है. समथिंग वेरी फैमिलियर दैट आई हैव ईटन बिफोर. तो पूरे $3 चूस लिए.
वैसे $3 बहुत होते हैं, सोचो 3 और रुपीस कितने हुए 60 है ना, वही 180 रुपीस की टॉफी खाई है। सो गाइस हम आ गए हैं क्यूबेक सिटी खाने पीने, एंड यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट जो दिखा है पुटीन के लिए पुटीन विल। सो हम अंदर चलते हैं एंड ऑर्डर करते हैं अपना खाना। शेरी और हमारे दोस्त यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। सो गाइस आ गए हो तुम खाने पुटीन? यस हैं यस फाइनली एक्साइटेड। कौन सा पुटीन खाने वाली है शेरी? कांचा क्या खाई है? और तुम्हारी बातें इससे बात करना बेकार है, इससे पूछते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इनका पुटीन के लिए करके कुछ आर्ट हाउस स्पेशलिटी पुटीन है वो खाते हैं। और वाह खतरनाक। चलो हम मेन्यू देखते हैं मेन्यू कहाँ पर है। सो डिजिटल हो गए हैं सब, यहाँ पर हमारे को मेन्यू नहीं दे रहे, बोल रहे स्कैन करो एंड फिर ऑर्डर करो। सो गाइस आ गया हमारा पुटीन, ये है गेलवो और तुम्हारा क्या है? पुटीन मिले। पुटीन मिले होम स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल अमेजिंग। गाइस किस किस को याद है ये लड़की और इसका रिएक्शन? गाइस ये वही लड़की है, याद है आप लोगों को एक्सप्रेशंस? तो प्लीज मैं ना बहुत एंजॉय करती हूँ खाना खाना और खाना खिलाना, खाना खिलाना एक्चुअली, और वो मेरी सिर्फ ओवर एक्टिंग थी तो इट्स ओके। ये काफी सही है, मेरा नाम अजय, तू बहुत सही है। ये बहुत सही। तो ये ऐसा वाला एरिया है, तू करके दिखाओ। वो मेरे से नहीं हो पाएगा। और बताओ उस वाले रिएक्शन में जब ये ऐसे करी थी ना, ये ऐसे देख रहा था। ये हमारा क्यूट सा एयरबीएनबी, यहाँ बन रही है चाय बर्गर। यार मूवी नाइट करेंगे हम, पॉपकॉर्न तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। अरे वाह वाह वाह, कूल नाइट। फिर मुझे ये तो होना चाहिए यार। हाँ ये ऑनेस्टली चाहिए मुझे घर पे। What up guys, it's our day 2. हम आए हैं बायोस्फीयर इन मॉन्ट्रियल। यहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, ऐसा हमने सुना है, बट अभी तक हमें बहुत डाउट हो रहा है कि ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं है। सो फिंगर्स क्रॉस, वी होप ऐसा कुछ दिखे। ओके गाइस, तो हुआ हमारे साथ थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी कि ये जो जगह है ये कुछ और है, ये है बायो डोम, जो भी हम यहाँ पे लिख देंगे इसका नाम क्या है। ये बेसिकली है बच्चों के लिए, यहाँ बच्चों के लिए साइंस म्यूजियम टाइप की जगह है। हमारे लिए कुछ करने को था नहीं एंड वी वर कंफ्यूज कि क्या करें। देन हमने बात की इन लोगों से तो ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हो जाता है क्योंकि बायोडोम और बायोस्फीयर बहुत सिमिलर से नाम है। सो ये हमारी टिकट्स बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हैं टू दी अदर प्लेस और हम वहाँ जाएंगे एंड होपफुली वो अच्छा हो। ये कैसी ट्रिप जा रही है, कभी लाइट चली जाती है कभी टिकट गलत आ जाती है। I hope इसके आगे सब अच्छा हो। It's called a dosa. It's like a crepe made of lentils filled stuffed with potatoes. Yeah, served with lentil soup and some green chutney if you know. The milk is amazing. Yeah. It is. It's my favorite. गोरो को हम समझा रहे हैं डोसा क्या होता है। सो हम आ गए हैं चाइना टाउन। कहाँ का चाइना टाउन? This is Montreal का चाइना टाउन। But I think SF का चाइना टाउन बहुत बड़ा था इससे। This is उसका छोटा वर्जन। Guys, next stop हम आए हैं Notre Dame। इतना सुंदर चर्च है, वो अलग बात है भीड़ कुछ ज्यादा ही है। धक्के पड़ रहे हैं हर जगह से एंड फोटो तो हो नहीं रही है, बस ऐसे पड़ रहे हैं। सही में बट सुंदर बहुत ज्यादा है। Look at this. बहुत ही भीड़ है, इतनी भीड़ है कि हमारे टोरंटो के जान पहचान के फॉलोअर्स यहाँ पे मिल रहे हैं हमारे को भर भर के। हम बर्लिंगटन में जिन लोगों से नहीं मिले, बर्लिंगटन वाले यहाँ पे आके बोल रहे हैं व्हाट अ मीट कि हम बर्लिंगटन में नहीं मिले, मॉन्ट्रियल आके मिल रहे हैं। वाह वाह वाह। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली बायोडोम एंड फर्स्ट स्टॉप जो हम कर रहे हैं बायोडोम के अंदर दैट इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
Welcome to tropical forest. एकदम ना सच में अंदर आके वेदर ही चेंज हो गया, इसमें गर्मी लग रही है. इन्होंने एक्चुअली हैबिटेट बना रखा है और मतलब वेदर वाइज, समझ रहे हो? समझ गए. Oh, it's very humid, eh? यार सही में इतनी humidity लग रही है because ये tropical forest का नहीं जगह बनाई हुई है. अभी आपको animals दिखाते हैं, but बहुत humid है. Guys, ये क्या जगह आ गए हैं हम? सर ये कौन से animal है यार? इनकी पूंछ देख रहे हो? थोड़ा crocodile. Oh God. तो गाइज अगर आप सोच रहे हैं लाइन किस चीज़ की है, तो ये लाइन लगी हुई है पुटीन के लिए. हम लोग आए थे समर में, तब भी यही हाल था और अभी भी यही हाल है. बहुत फेमस है ये पुटीन के लिए स्पॉट. माय गॉड गाइज, ये ख़त्म कैसे होगा पता नहीं, बट या इट लुक्स वेरी गुड. हमने अच्छे से देख लिया. हम हमेशा आते थे, थोड़ा बहुत ऐसे देखा था, कभी भी प्रॉपरली नहीं देखा था. दिस टाइम आई थिंक वी आर गोइंग सैटिस्फाइड कि अच्छे से हमने एक्सप्लोर किया. आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं अबाउट प्लानिंग योर ट्रिप टू मॉन्ट्रियल क्यूबेक, कॉमेंट बिलो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. उसके अलावा अभी हम आए हैं यहाँ पे, एक बहुत फेमस बेगल का शॉप है विच इज़ वेरी फेमस, सो वी थॉट कि खा के ही चलते हैं, लास्ट चीज़ ये भी कवर कर ही लेते हैं. सो हम लोग अभी वहाँ पे जाएंगे. ऑफकोर्स वहाँ पे भी लाइंस लगी हुई हैं. ये पता नहीं क्या है कि मॉन्ट्रियल क्यूबेक में लाइन बन जाती है. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप देख रहे होगे हम बहुत रेगुलर हो गए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. एज आई ऑलवेज से, इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप क्रिएटिंग मोर कॉन्टेंट. बाकी नेक्स्ट टाइम तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड स्टे कनेक्टेड. मैंने सिर्फ डायलॉग्स बोल दिए. डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग? बाय बाय. बाय बाय.